हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं पूनम आज आपको देने वाली हूँ साबुत मूंग चीला रेसिपी, जो कि प्रोटीन से भरा हुआ है और करंट सिचुएशन के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है रात भर भिगोया हुआ एक कटोरी मूंग, साबुत मूंग। यहाँ हरी धनिया, एक नींबू का रस, अदरक का टुकड़ा 1 इंच, कटा हुआ बारीक टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज और हरी मिर्च और ये 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। ये कुछ मसाले हैं जो आगे हमें यूज करने हैं अपने चीले में। और यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, कोई भी तेल ले सकते हैं, नमक स्वाद के हिसाब से, और पानी बैटर में यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक मिक्सी जार में मैंने साबुत मूंग डाल दिया है जो रात भर भिगाया था। इसी स्टेज पर हम डालेंगे इसमें धनिया कटा हुआ, लहसुन की कलियाँ जो हमने छील के रखी थी, और हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अदरक का टुकड़ा और नींबू का रस और नमक स्वाद अनुसार। इसी स्टेज पे हमें डाल देना है धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। बस ये सारी चीज़ें डाल के और इसमें पानी हिसाब से डाल के हमें पीस लेना है। बहुत ही बढ़िया सा बैटर बना के हमें तैयार करना है, एकदम बारीक। बस आप देख लें कि बैटर ज़्यादा पतला ना हो, ज़्यादा गाढ़ा ना हो। अगर थोड़ा पतला लग रहा हो तो आप इस स्टेज पे डाल दें 2 चम्मच बेसन। बेसन ऑप्शनल है, अगर आपका बैटर गाढ़ा गाढ़ा बनता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। खड़ा जीरा बैटर बनने के बाद, और उसमें थोड़ा सा कूटा हुआ काली मिर्च डाल के मिक्स कर दें। बस हमारा बैटर बनके तैयार है। हमें बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। चलिए चीले के दूसरे स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल में लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, जो मैंने एक मीडियम साइज का प्याज काट के रखा था, शिमला मिर्च और टमाटर, तीनों चीज़ को हमें बाउल में निकाल लेना है एक साथ। और इसमें डालना है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। तो नमक आप हिसाब से डालें, चाट मसाले में भी नमक होता है। इसको हम डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। तो यह मैंने आँच पे तवा चढ़ाया है, ये मैंने नॉनस्टिक तवा यूज किया है, आप आयरन का तवा भी ले सकते हैं। इस पर मैंने मस्टर्ड ऑयल से ग्रीस कर दिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं अपने पसंद का। तो बस छोटे छोटे साइज का चीला हम तवे पे फैला देंगे। आप अपने हिसाब से चीला बड़ा छोटा जैसे आपको पसंद हो वैसे फैला सकते हैं। तो इस तरीके से छोटा छोटा सा चीला मैंने फैला दिया है। और अब इसके ऊपर मैंने जो मिक्स बना के तैयार किया था प्याज टमाटर और शिमला मिर्च का, वो डाल दूँगी। और इसे ध्यान रखना है इस स्टेज पे कि हमें जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम टू स्लो रखना है, हाई नहीं करना है। बस इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के। उसके बाद फिर से हम इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे और पलट देंगे। ये बहुत ही आसानी से पलटा जा सकता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। आयरन के तवे पे भी वो बहुत अच्छी तरीके से ये पलटने में आ जाता है। तो आप फिर से इसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दें 2 से 3 मिनट के लिए। बस चीला बन के रेडी है। थोड़ा सा एक बार और पलट के एक बार थोड़ा सा पका दें पीछे की तरफ से। बस हमारा चीला बन के तैयार है। आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें, बहुत ही झटपट बन जाता है और प्रोटीन से भरा हुआ ये चीला बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही कम तेल में बन जाता है और बहुत ही झटपट बनता है। तो प्लीज़ मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप बनाएं खाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।